आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रीन टी की रेसिपी। तो इसका हम कहवा भी बनाएंगे और इसे हम कैसे बनाएंगे ग्रीन टी, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप इसको बनाकर सेव कर सकते हैं और इसमें हम कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करेंगे, ये इसका ओरिजिनल कलर है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे ग्रीन टी बनाएंगे, बहुत ही मज़े की और लाजवाब सी बनती है सर्दियों में स्पेशली। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने पानी लिया है 3 कप, छोटी इलायची ली है तकरीबन 5 से 6 दाने, इनको मैंने खोल लिया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए, और ये बादियान के फूल हैं 2 से 3, और इसमें हम डालेंगे ग्रीन टी की जो पत्ती होती है, कहवा जिसको बोलते हैं, पत्ती भी बोलते हैं इसको, ये 1.5 टेबल स्पून, और ये हम सौंफ डालेंगे, ये मैंने थोड़ी सी क्रश की हुई है, ये 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी, मैयर करके रखा हुआ था लेकिन आपके सामने फिर से मैयर करने लगी हूँ, 1, 2 एंड 3, 3 कप पानी है ये, फ्लेम ऑन करते हैं। इसमें हम डालेंगे इलायची, सब्ज़ इलायची डालिए, बादियान के फूल ऐड करेंगे, और इसमें जो सब्ज़ चाय होती है उसकी जो पत्ती होती है कहवा वो है हम डालेंगे, और अब हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डाल के इसको हम पकाएंगे, पानी में उबाल आएगा तो फिर हम उसके बाद इसको फेंट के पकाएंगे। अभी हम पानी को उबाल आने देते हैं, ठीक है। तो हम कवर करके हम इसको पकाते हैं ताकि जल्दी पानी में उबाल आ जाए। मिनट हो गए हैं, इसको मैं चेक कर लेती हूँ, ये देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको इतना पकाएंगे, इतना फेंटेंगे कि ये हमारा पकते पकते जो है ना कावा आधा रह जाए, ठीक है। इसको जब हाफ रह जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। व्यूअर्स, इसको पकते हुए काफ़ी देर हो चुकी है, 5 से 6 मिनट हो गए हैं, ये पक के आधा रह गया, ठीक है। अब हम इसमें 1 कप और पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी, ठीक है। इसमें ठंडा पानी हम ऐड करेंगे 1 कप, ये देखिए 1 कप ठंडा पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि इसका अच्छे से कलर निकल आए, ठीक है। अब हम इसको फिर से फेंटेंगे और इसका कवर कर देते हैं ताकि ये फिर से अच्छा सा उबाल आ जाए, फिर उसके बाद हम इसको फेंटेंगे, ठीक है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसको चेक कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट हमने इसको फिर से बॉयल किया है, तो ये देखिए कितना अच्छा सा उबाला आना शुरू हो गया है। तो इसको हम पकाएंगे, 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें डाली जाती है, इसका कलर मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चीज़ ऐड की जाती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसके कलर को बहुत अच्छा करने के लिए इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो इसको डालने से हमारा जो कलर है चाय का बहुत ही अच्छा सा ओरिजिनल सा कलर आ जाता है। इसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल रियल आपको इसका कलर मिलेगा आपको इस तरह से अगर आप बनाएंगे। तो इसको आप बनाकर ज़्यादा सारा बनाकर इसको सेव भी कर सकते हैं बॉटल्स वगैरह में, कैन वगैरह में भर के, तो जब चाहें आप उसको डालें कप में और गर्म दूध में डालें और इसको बना लें। तो 2 मिनट तक हम इसको कवर कर देते हैं, 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। मिनट हो गए हैं, इसको फिर से चेक कर लेते हैं, ये देखें बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसको हम मिक्स करके देखते हैं, ये देखें कितना अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 क्यूब्स आइस क्यूब्स ऐड करेंगे, और इसको हम फिर से कवर करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसकी ग्रीन टी रेडी करेंगे। ये देखिए अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसको स्ट्रेन आउट कर लेते हैं। ये हम एक जग ले लेंगे, इसके अंदर इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका रियल कलर ही बहुत अच्छा सा इसका निकला है, तो हम इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज़ करेंगे। इसको आप बनाकर सेव कर सकते हैं 1 माह के लिए। अब इससे हम चाय बनाएंगे, 1 कप बनाएंगे ग्रीन टी। तो 1 कप के लिए हमने 1 कप दूध लिया है, तो दूध को हम चूल्हे पर रखेंगे, इसको बॉयल कर लेंगे अच्छी तरह से। ये जो हमने कहवा रेडी किया है इसे हम 8 से 10 कप चाय बना सकते हैं, तो हम 1 कप के हिसाब से इसमें डालेंगे। दूध को उबाल आ चुका है,
अब हम इसमें डालेंगे शुगर ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं। और अब हम इसमें डालेंगे कहवा जो हमने बनाया है ग्रीन टी का, इसी कप से मैंने मैयर किया था, 1 कप दूध था और 1/4 कप इसमें डालेंगे हम कहवा। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, ओरिजिनल कलर है बिल्कुल, कोई हम आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज़ कर रहे, बिल्कुल वही कलर है। तो आप लोग इससे इस रेसिपी से ज़रूर बनेगा, बिल्कुल आपसे इसी कलर परफेक्ट कलर का आपसे बनेगा, ठीक है। तो हम इसको पका लेते हैं 1 से 2 मिनट। ये हमारी चाय बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको कप में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी खुशबूदार और मज़े की हमारी ग्रीन टी बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर हम थोड़े से पिस्ते ऐड करेंगे और थोड़े से हम बादाम ऐड करेंगे ताकि इसको और ख़ूबसूरत बनाया जा सके। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। ये हमारी ग्रीन टी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े की और यमी सी खुशबू आ रही है, स्वीट स्वीट सी। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।